नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब करते हम लोग ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 15। आज का क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है और क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, x प्लस फोर रूट एक्स माइनस फोर एंड इंटायर रूट। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको कैसे सोल्व करना चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको ये ट्राई करना चाहिए इसमें कि आप इसको स्क्वायर कैसे बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकता है, क्या वैल्यू पुट करें एक्स की कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है कोई वैल्यू। तो इसका मतलब इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना 90.99% या 100% कि वो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? एक्स की वैल्यू कितनी हो, एक्स की वैल्यू 5 + 4 9 हो, 9 या फिर और तो कुछ होगी नहीं। तो 5 + 4 या अगर बड़ी वैल्यू रखे जैसे कि 21 रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो 5 + 4 कितना हुआ 9, 5 में 4 गए 1, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 3, और यहाँ पे कितना हुआ 5 में 4 गए 1, तो 1 हुआ 3 + 1, और नीचे कितना हुआ, नीचे हुआ 3 - 1, 3 + 1 3 - 1, तो कितना हुआ 4/2, और वो कितना होता है 2। तो आंसर कितना हुआ 2, आंसर कितना हुआ 5, क्योंकि वो 2 के इक्विवेलेंट बना देगा। हमने यहाँ पे क्या ट्रिक यूज की है, हमने ये ट्रिक यूज की है कि इसको आप परफेक्ट स्क्वायर है वो बनाइए, क्योंकि ताकि वो फ्रैक्शन में ना जाए आगे कोई चीज ऐसी, और वो आप कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जो इसको कंप्लीट करे। और वो वैल्यू क्या है, वो हमने 5 पुट किया। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि वो कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, वरना आप अगर वैसे भी पुट करें बिना ऑप्शन देखें तो भी आप निकाल देंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सोल्व करें तो पहले ये टेक्निक यूज करनी चाहिए, इससे आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन होगा जो अगर कोई लंबा चौड़ा है तो उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन आमतौर पर एसएससी में इस तरह के आते नहीं है, आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है कि आप इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो से आप सोल्व कर सकते हैं, हालांकि उसमें टाइम लगता है। कंपोनेंट डिविडेंडो से पहले आपको जो परफेक्ट स्क्वायर है वो टेक्निक, या अगर किसी में पहले एक्स की वैल्यू दी हुई है तो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है वो यूज करनी चाहिए। तो इसमें हम कंपोनेंट और डिविडेंडो भी यूज करते हैं कि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं उनको पता ना हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग वो यूज कर रहे हैं कि उसको कैसे यूज करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक्स प्लस चार है और एक्स माइनस चार है इज इक्वल टू 2, ये दी हुई है स्टेटमेंट, इक्वेशन दी हुई है। अब देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो होता क्या है, ए प्लस में बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और सी प्लस में डी और सी माइनस डी वो होता है ए बाई बी, ये कंपोनेंट और डिविडेंड होता है। अब देखो इसको मैं अगर ए मान लेता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मैंने इसमें लगा दिया, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है सी बाई डी के बराबर होना चाहिए, तो ये 2/1 हो गया। अब मैं सी प्लस डी इस फॉर्मेट में लाऊं इसको तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 1 = 3, और वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा फिर ए एक्स प्लस फोर, ये ए है और बी कितना था एक्स माइनस फोर। अब दोनों तरफ अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे 9 हो जाएगा एक्स प्लस चार और एक्स माइनस चार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x - 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस में चार, 8x कितना हो जाएगा 40 और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कंपोनेंट और डिविडेंडो है आपको आना जरूर चाहिए, और कंपोनेंट और डिविडेंडो कई क्वेश्चन में हो सकता है आपकी पहली प्रायोरिटी भी हो जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको जो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है या जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की वाली टेक्निक है वो आप टेक्निक लगाकर उस क्वेश्चन को ज़्यादा फास्ट सोल्व कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के जैसे इस क्वेश्चन में हम सोल्व कर सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये वाली ट्रिक है आपको समझ में आई होगी और आप इसका यूज़ भी करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, जिससे कि आपका मैथ है वो इजी कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादा ट्रिकी बन पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑल।